श्रावण मास की कामिका एकादशी का महात्मा एवं कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं, तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु यह सब आप मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आता है, उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता। जो व्याही हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज के भय से मुक्त करती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित तो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, या तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाले, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है।